बीते दिन हुशियारपुर के हलका मुकेरिया अधीन आउंदे पिंड टांडा राम सहाय के रहने वाले 92 साला प्रीतम सिंह की कोरोना वायरस कारण अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल च मौत हो गई सी। ते बीते दिन हस्पताल के प्रबंधकों वालों वड्डी लापरवाही करदिया होया मृतक प्रीतम सिंह की थान किसी महिला की मृतक दे उन्हां दे पिंड संस्कार लई भेज दी गई, जिस तों बाद प्रीतम सिंह दे परिवारक मैंबरां च हस्पताल के प्रबंधकों ते सरकार प्रति भारी रोस पाया जा रहा है। अज प्रैस कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिया प्रीतम सिंह दे परिवारक मैंबरां ने दस्या कि उन्हां नूं तहसीलदार जगतार सिंह वल्लों फोन ते सूचना दित्ती गई कि जिस थां ते प्रीतम सिंह दी मृतक देह पहुंची सी कल शाम उत्थे उन्हां दा संस्कार कर दिता गया। इस मौके प्रीतम सिंह दे परिवारक मैंबरां ने पंजाब सरकार तों मंग करदिया कहा कि सरकार गुरु नानक देव हस्पताल दे दोषी कर्मचारियों विरुद्ध सख्त तो सख्त कार्रवाई करे तां जो भविख च किसे नाल भी अजिहा वरतारा दुबारा ना वापर सके। इस मौके आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज सुलखण सिंह जग्गी ने पंजाब सरकार तो मंग की कि सरकार इस मामले की गंभीरता नाल जांच करवा के दोषियों को सख्त सज़ा देवे। मुकेरिया तो हुशियारपुर न्यूज़ के नाल दिलबाग गुराया की रिपोर्ट। पांच साढ़े परिवार के मैंबर कोरोना पॉजिटिव आए थे, उसके विच एक मेरे दादा जी सरदार प्रीतम सिंह, चाचा जी सरदार दलबीर सिंह, मेरी चाची कुलवंत कौर, मेरी भैन चाचा जी की बेटी संदीप कौर, तो एक छोटा जा बेटा एक साल का यशमी, ये कोरोना पॉजिटिव। उस तो बाद जो है की प्रॉब्लम हुई थे की? मेरे दादा जी पहला पिंड तो लैके गए हुशियारपुर, हुशियारपुर तो बाद उन्होंने दो दिन बाद उन्होंने रैफर किया गया अमृतसर, तो उन्होंने इतों की टांडा राम साहे तो पिंड अपने हुशियारपुर भेजा गया। उतों की मेरे चाचा जी ने मेरे दादा जी पांच तरीक न उन्होंने भेजा गया अमृतसर गुरु नानक देव हॉस्पिटल। दो दिन वार्ड के रख के मेरे चाचा जी मेरे दादा जी शिफ्ट किया गया ICU गुरु नानक देव हॉस्पिटल ICU। ये मुद्दा हुण नहीं, ये मुद्दा पहला भी कोई 11 तरीक न डॉक्टर ने डिकलेयर करता सी मेरे दादा जी की डैथ हो चुकी है। फिर वो कहते नहीं जी डैथ नहीं हुई है, मेरे दादा जी ठीक है। फिर 17 तरीक की रात की 11 बजे की डैथ हुई है सरकारी अनुमाना के अनुसार, सरकारी डॉक्यूमेंट के अनुसार। बट सानू इन्होंने 18 तरीक न सवेरे 12 बजे दसिया, दोपहरे 12 बजे दसिया कि इदा इदा उन्हां दी डैथ होगी। असी संस्कार लई पहुँचे, सानू फोन आया कि बुढ़ा वड़ तों गड्डी चल गई है, परिवार के किसी मैंबर नू जाण दी जरूरत नहीं है। तो सानू कहा गया कि तुसीं सीधा ही टांडा राम साहिब दे क्रिमेशन ग्राउंड ते पहुँचो। असीं इत्थे पहुँच गए, उत्थे असीं जदों थोड़ा हल्ला हुल्ला कीता असीं डैड बॉडी देखण दे, उन्हां नू कहा जी डैड बॉडी दा फेस दिखाओ। जो असी फेस देखा तो असी देख के बिल्कुल ही अचंभत रह गए कि वो डेड बॉडी एक लेडी की सी जिहदी उम्र कोई 35 साल सी। उस तो बाद असी उत्थे काफ़ी प्रोटेस्ट किया, वो लेडी की डेड बॉडी मुकेरिया मोर्चुरी दे विच रखाई गई। एंड उस तो बाद सानू साडे दादा जी का कल तक कुछ नहीं पता सी। अज सवेरे तहसीलदार का फोन आया कि मेरे दादा जी की जिहड़ी अंतिम संस्कार है उस फैमिली ने, अमृतसर की फैमिली ने उन्हों का संस्कार कल शाम का 6 बजे का करता से। जो मैं उस फैमिली ना फोन पर गल की तो वह फैमिली साफ साफ कहती है सानू नहीं पता कि असी तुहाडे दादा जी का संस्कार किया कि किदा किया। सानू साडे दादा जी की बॉडी हजे तक साडे हाथ नहीं है, ना ही सानू कुछ उन्हों का उन्होंने कोई ऐशेज़ मिले ने। तो सानू हुण प्रशासन बार बार प्रैशराइज कर रही है, उस फैमिली भी प्रैशराइज कर रही है अमृतसर दे विच कि स्टेटमेंट दो, लिख के दो कि यह जिहड़ा संस्कार होया प्रीतम सिंह का होया। वो फैमिली भी काफ़ी डरी हुई है, असी भी काफ़ी डरे हुए हैं। तो सानू बस बनती पंजाब सरकार तो गुजारिश है कि वह अपनी बनती साढ़े नाल न्याय किया जाए, तो सानू बनता इंसाफ की है दुआए। बहुत ही दुखदायक गल है कि जेडे बापू प्रीतम सिंह सी, प्रीतम सिंह जी सी जिन्हां दी उम्र 92 साल सी, सारे परिवार च बड़ी इस गल की गमी और पूरे नगर नूं इस गल का अफसोस है कि उस बजुर्ग ने जिन्हें अपना परिवार पालिया और बड़े वधिया पोस्टां दे जे परिवार जिहड़ा पजाया, अज उस परिवार दे जिहड़े मैंबर हैगे है वह अपने बाप दादे का संस्कार नहीं कर सके। बड़ी वड्डी गल है और बड़ी बहुत ही अणगहली वरती गई है प्रशासन वालों, जिहदी असीं निंदा करदे हां ते आस करदे हां कि इहदी उच्च पद्धरी जांच होए ते बनदी जिहड़ी हैगी है कानूनी कार्रवाई जिन्हां ने भी जिहड़े जिहड़े मुलाजम शामिल उन्हां ते जिहड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।